इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि वोटर कार्ड कैसे रिप्रिंट किया जाता है। सपोज आपके पास कोई आपका वोटर आईडी के पास गुम हो जग गया, या तो ए आप कहीं पर ऑनलाइन अप्लाई कराते हैं और आपका ईपीआईसी नंबर जेनरेट हो चुकी है और उसको आप रिप्रिंट कराना चाहते हैं, तो आपका लोकेशन पे पोस्टल के थ्रू या आपका बीएलओ के थ्रू पहुंच जाता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सबसे पहले आपको अपना गूगल क्रोम ऑन करके वहां पे टाइप करना है nvsp.in पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एंटर करना है आपको। एंटर होने के बाद आपको यूजर नेम और पासवर्ड आपको क्रिएट करना होता है। मेरा पहले से क्रिएट कर चुका हूं, इसलिए अगर आपका क्रिएट नहीं हुआ तो आप आई हैव डोंट अकाउंट रजिस्टर्ड नाउ पे क्लिक करना है। क्लिक करके आपका डिटेल आपको देखो यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है। वहाँ पे कैप्चा डालने के बाद आपके मोबाइल पर सेंड ओटीपी करेंगे और उसके बाद आई हैव ईपीसी नंबर या आई हैव नॉट ईसी नंबर पे क्लिक करके आपका डिटेल फिलअप करके आप वीडियो कर अच्छा लगे तो लाइक करें, मेरे पास अभी लॉगिन आईडी है और पासवर्ड में क्रिएट कर चुका हूँ। तो पहले मैं लॉगिन करके दिखा रहा हूँ आपको, उसके बाद आपको यहीं पर कैप्चा क्रिएट करना पड़ता है। कैप्चा में डायल कर देता हूँ। डायल करने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। देखिए वो मैं लॉगिन हो चुका हूँ, मेरा डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले आपको क्लिक करना है फॉर्म पे। जैसे ही फॉर्म पे क्लिक किया तो आपको डायरेक्ट ओपन खुल जाएगा। देखिए उसके बाद आपको नीचे स्क्रोल डाल करके आ जाना है और यहीं पर आपको फ्रॉम वन पे चूज कर लेना है, रिप्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फोटो आइडेंटिटी कार्ड क्लिक करना है। देखिए आपको करेक्शन भी यहाँ से कर सकते हो आप, देखो एनी ऑब्जेक्शन भी इंक्लूड करा सकते हैं, आपको सब कुछ देश कर सकते हो। तो फिलहाल हमको रिप्लेसमेंट इलेक्ट्रॉनिक आइडेंटिटी क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका डिटेल खुल जाएगा यहीं पर। उसके बाद खुल चुका है मेरा, तो मैं यहीं पे फिलअप करा रहा हूँ। अपना स्टेट चूज कर लेना है, उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है, उसके बाद आपको असेंबली चूज कर लेना है, उसके बाद आपको नीचे स्क्रोल डाउन करके जाना है और यहीं पे आपका फर्स्ट नेम डाल सकते हो आप, अपना सर नेम डाल सकते हो, आपका फादर मदर डिटेल फिलअप करना है वहीं पर आप नेम। जैसे आप वहां पर डालो तो आपका वहां पे आपका रजिस्टर लैंग्वेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहीं पर आपको आपका सरनेम डालना करना है। देखिए उसका आपका फादर या हस्बैंड का नाम डाल सकते हैं। यहीं पर आपको डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेना है और डेट ऑफ बर्थ पे आप फिलअप कर लीजिए। यहीं पर आपका जेंडर चूज कर लेना है। यहीं पर आपको डिटेल फुल करना है आपका हाउस नेम। यहीं पर आपको लोकेशन चूज कर लेना है। यहीं पर आपको विलेज नाम चूज करना है। यहीं पर आपको पुलिस स्टेशन का नेम चूज करना है। यहीं पर आपको पिन नंबर डायल करना है। यहीं पर आपका ईपीआईसी नंबर जनरेट करना है, चूज करना है। यहीं पर आपका रीजन, किस रीजन चूज कर लेना है आप, आपका लॉस तो न्यू कर सकते हो। यहीं पर आपको कहां से आपको रिसीव करने वाला हो वही चूज करना है। सपोज ईपीआई से आप सीएससी वैली रहता है, वहीं से अगर रिसीव करना चाहते तो वहीं पर क्लिक कीजिए, नहीं तो आप बीएलओ से भी क्लिक कीजिए। लेकिन मैं अभी चूज करूंगा आई पोस्टल के थ्रू मैं प्लेस करना चाहता हूँ। मैं पोस्टल पे क्लिक करना है, आपका डायरेक्ट पोस्टल के माध्यम से आपका घर पहुंच जाएगा। उसके बाद आपको अपना आपका प्लेस कहाँ से हो आप तो वहाँ से प्लेस चूज कर लेना है। प्लेस चूज कर लिया हूँ, उसका डेट ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसमें वहाँ पे आपको कैप्चा फिलअप कर लेना है और उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। देखिए जैसे आप सबमिट किए वहीं पर आपका रेफरेंस आईडी मिल जाएगा, आप वहीं से ट्रैक कर सकते हैं। तो आपको थैंक यू फॉर सबमिटेड फ्रॉम NVSP योर रिफ्लेक्शन नंबर मिल जाएगा, उसको आप कॉपी कर लेना है। मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी कर लेने के बाद आपको आप अपना टाटोस भी चेक करते पाओगे अभी। तो जैसा क्लिक किया तो आप देखो, मैं आपको डाउन मैं पेस्ट करके दिखा रहा हूँ। टाटोस ट्रैक करने के बाद देखो एक्सेप्ट या रिजेक्ट होगा, आप टाटोस आप चेक कर पाएंगे। उस तरह से आप अपना रिप्रिंट कर सकते हैं अपना वोटर आईडी कार्ड। आप कहीं पर को देते हैं यार आप न्यू, आपको तो अभी तक आपको ईपीआईसी नंबर मिल गया लेकिन आपको जो वोटर आइडेंटिटी कार्ड आपको नहीं मिला, तो आप उसी तरह से अप्लाई कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।